सबको राम 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 सर। राम राम। आज मैं आपको को एक नई, इसमें मैंने कल तीन बता दिए थे आपको, तीनों को मैं सेकंड सेशन में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं एक कड़ी और पढ़ाने वाला हूं आपको, और आपको अच्छी लगेगी। क्या आपके मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है? क्या मोबाइल नंबर आपके लिए, आपका मोबाइल नंबर लकी है? जानने, क्या आप जानते हो इस विषय में? हाँ जी सर। जानने जा हाँ बताइए, मोबाइल नंबर लकी कैसे बताएंगे आप? सर जो हमारा भाग्यांक और मूलांक नंबर है, अगर उनका मित्र नंबर होगा तो हमारे लिए लकी होगा। मोबाइल का जी टोटल जी अगर आता है तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि चांदनी मंथ से पढ़ रही है। श्वेता तुम बताओगे? प्रिया जी आपने देखा हमारी क्लास के स्टूडेंट ने कैसे बताया? मोबाइल एक ऐसी नेसेसरी चीज है जो हर एक के पास है, छोटे से छोटे बच्चे के पास और बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास। आप कहीं भी, बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास आप कहीं भी चले जाओ, आप एक रिक्शा भी करते हैं कहीं जाने के लिए तो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। आपके घर की बाइक के पास भी मोबाइल है। आप कहते हैं कि तेरा मोबाइल नंबर क्या है? कभी तू काम पे नहीं आएगी तो हम फोन करके तेरे से बात तो कर लेंगे, पूछ तो लेंगे क्या क्या कारण है। यानी सबसे बड़ी जो चीज आज की दुनिया में है, पर जरूरत बन चुकी है, वो है मोबाइल। मोबाइल हम लोग लेने जाते हैं तो अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट पूरा करेंगे, और जो भी मोबाइल नंबर हमें मिलता है उसे हम लेकर आ जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ने का और मेरी बातों को समझने का प्रयास करना आध्यात्मिकता से। शास्त्री जी, मैं आगे चल के आध्यात्मिकता पे अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्या ये मेरा नजरिया ठीक है? बहुत आध्यात्मिकता से मैं आपको ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि जो ईश्वर है, ज्योतिष है, और ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। मेरा दिमाग थोड़ा सा बदला। लोग ऐसे के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। पढ़ने वालों का भी उद्देश्य नहीं है। आज घर घर में लड़ाई है, घर घर में विवाद है। राहु शनि का हर घर में वास है, बुध ग्रह कहीं नहीं। आज हम सुबह उठ के घूमने नहीं जाना चाहते, सुबह उठ के कोई कार्य नहीं करना चाहते, बस सोना, उठना और काम पे जाना। ग्रहों का पूरा वर्चस्व हमारे पे बना हुआ है। दूसरा, मैं एक बात और बताता हूं आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ। जब जब आप किसी कार्य को फ्री में करेंगे या करने की इच्छा रखेंगे या करवाएंगे, तब तब आपके ऊपर राहु हावी होता चला जाएगा और आपकी मानसिक सोच छोटी बनती चली जाएगी। जब तब जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे जीवन में, तब तब आप ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और ऊंचाइयों पर पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पन्नम शास्त्री जी, मैं जानना चाहता हूं, आप एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये कहां तक सही है? बिल्कुल सर, सत्यता है बिल्कुल 100%। आज मानव पलटता जा रहा है, कमियां बता रहे हैं, भगवान कहीं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हम मोबाइल लेने जाते हैं, अप्लाई करेंगे। अच्छा, कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नंबर जो आपके नाम से जुड़ गया है वो आपके इफेक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो आज मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल लेते समय सबसे पहले तो आप लोगों को अपने लकी नंबर का ध्यान रखना है। आप लोग के मोबाइल का जो टोटल होगा, वहां पर खड़े खड़े अपने मोबाइल के टोटल को चेक कर लीजिए। नंबर 1, अब आपके मोबाइल का टोटल एक नंबर आता है। आपको एक नंबर अक्सर सूट कर जाता है, मैं बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल नंबर है, क्योंकि तो एक नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य के है राजा। लेकिन अगर आप 8 नंबर के हैं,
आपका मूल्यांक 8 आता है या पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 आता है या मूल्यांक कोई भी अंक हो पर भाग्यांक 8 आए, तो दोनों में से कुछ भी अगर 8 आए तो आप एक नंबर का मोबाइल नहीं लेंगे। अगर आप एक नंबर का मोबाइल नहीं लेंगे और आप 8 को छोड़कर किसी भी नंबर के हैं तो आप एक नंबर का मोबाइल ले सकते हैं। ये बातें आप सब जानते हैं ना, जो मैंने बातें बताई हैं। प्रिया जी, समझ में आई बात ये मेरी जो मैंने बताई? जी सर, जी सर। एक नंबर के लिए 8 नंबर इज एनिमी नंबर, और 8 के लिए नंबर भी 8 एनिमी नंबर। आप देखो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे आप लोग के दिमाग में हाथों हाथ बैठ रही है ना। आपका अगर आप अपने मिलने वाले के मोबाइल नंबर को टोटल को चेक करो और वो परेशान है तो उसे बताओ, ये कारण है। गायत्री जी, ये ठीक लगा तरीका बताने का, समझाने का या पढ़ाने का? सर, परफेक्ट सर। इससे अब आप सब लोग ट्रेन हो जाएंगे। दो नंबर चंद्रमा मन का कारक होता है। मैं इसके अंदर बहुत बातें अभी और भी जोड़ सकता हूं दो नंबर के बारे में, ये चीजें होती हैं। ये जितने भी नंबर हैं, अंक हैं, ये सब ग्रह हैं। अगर आपके मोबाइल में जो भी नंबर मिस है, इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित एनर्जी आपके पास नहीं है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास जिसके पास जो नंबर मिस है, क्या उन्हें आपको सबको ज्ञान है अपने बारे में, वो उससे संबंधित परेशानियां हैं आपके सामने, नहीं है? बस ये बताइए आप। वो छोटा सा सवाल है जिससे हमारे क्लियर होगा। चांदनी, आप बताओ। हाँ जी सर। है ऐसा जो आपके मोबाइल में नंबर मिस है? होता है सर, ग्रहों का सर तो दिखता ही है। हाँ जी, प्रिया जी आप बताइए। हाँ सर, बोलिए क्वेश्चन का, और फिर सर बोलिए एक बार। मैंने क्वेश्चन बोला, जो नंबर आपके मोबाइल में मिस है, हाँ, क्या उससे खराब वो लक्षण या खराब नेचर या उन ग्रहों का प्रभाव क्या आपके जीवन पे है? सर, अगर मिसिंग नंबर होगा तो उसका तो कमी होगा, तो वो कमी अगर फिलअप करना चाहिए तो वो मोबाइल नंबर से हम फिलअप कर सकते हैं। यही तो मैंने कहना चाहा है कि जो नंबर मिस है वो प्रभाव देता है। जी सर, मेरे बर्थडे में 4 नंबर मिसिंग है, एंड फोन में भी मैंने नहीं लिया है सर 4 नंबर, तो उसका मुझे पूरा दिखता है रिजल्ट की पैसा मेरे पास रुकता नहीं है, और दबंगनेस मतलब डिसीजन के लिए मैं बहुत डरती हूँ सर, तो 4 नंबर के जो जो है ना एट्रीब्यूट मिसिंग के, तो वो मुझ में दिख रहे हैं सर, रिजल्ट आ रहे हैं। आप अपने मोबाइल में 4 नंबर लीजिए। अब मैं एक आपको एक इलाज और बता देता हूँ सबको, कब हमारे दिमाग में कौन सी बात निकल जाती है वो ईश्वर की इच्छा होती है। जो नंबर भी आपके मोबाइल में मिस है, जो नंबर आपके लोशो ग्रिड में मिस है, वो नंबर आप अपने मोबाइल में ले लो, जिससे उस नंबर की एनर्जी आपका काम करना शुरू कर देगी। क्या गायत्री जी आपके पास 4 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है? मैं जो हमारे कुछ शुभचिंतक हैं वो तो बताते हैं कि इतना ज्ञान, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटते हो तुम, पर मैं ये कहता हूं कि जो बांट लोगे वो तुम्हारा है, जो बांटोगे वही तुम्हारा है, और सब तो बेकार है, जंग लगेगा, विवाद पैदा करेगा, तो विचारों का खेल है पूरा जीवन। आज मैं आपको एक नई, इसमें मैंने कल 3 बता दिए थे आपको, तीनों को मैं सेकंड सेशन में पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं एक कड़ी और पढ़ाने वाला हूं आपको, और आपको अच्छी लगेगी। क्या आपके मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है? मोबाइल एक ऐसी नेसेसरी चीज है जो हर एक के पास है, छोटे से छोटे बच्चे के पास और बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास। आप कहीं भी, बड़े से बड़े बुजुर्ग के पास आप कहीं भी चले जाओ, आप एक रिक्शा भी करते हैं कहीं जाने के लिए तो रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है, आपके घर की बाइक के पास भी मोबाइल है,
आप कहते हैं कि तेरा मोबाइल नंबर क्या है, कभी तू काम पे नहीं आएगी तो हम फोन करके तेरे से बात तो कर लेंगे, पूछ तो लेंगे क्या क्या कारण है। यानी सबसे बड़ी जो चीज आज की दुनिया में है, तो जरूरत बन चुकी है, वो है मोबाइल। शास्त्री जी सही बोला? राइट सर, 100% राइट। हाँ, मोबाइल हम लोग लेने जाते हैं तो अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट पूरा करेंगे और जो भी मोबाइल नंबर हमें मिलता है उसे हम लेकर आ जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ने का और मेरी बातों को समझने का प्रयास करना आध्यात्मिकता से। शास्त्री जी मैं आगे चल के आध्यात्मिकता पे अपनी वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्या ये मेरा नजरिया ठीक है? आध्यात्मिकता से मैं आपको ये सिद्ध करना चाह रहा हूं कि जो ईश्वर है, ज्योतिष है और ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। मेरा दिमाग थोड़ा सा बदला, लोग ऐसे के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ने वाले भी और पढ़ाने वाले भी। पढ़ने वालों का भी उद्देश्य नहीं है, आज घर घर में लड़ाई है, घर घर में विवाद है, राहु शनि का हर घर में वास है, बुध ग्रह कहीं नहीं है। आज हम सुबह उठ के घूमने नहीं जाना चाहते, सुबह उठ के कोई कार्य नहीं करना चाहते, बस सोना, उठना और काम पे जाना। ग्रहों का पूरा वर्चस्व हमारे पे बना हुआ है। दूसरा मैं एक बात और बताता हूं आपको मोबाइल नंबर के साथ साथ। जब जब आप किसी कार्य को फ्री में करेंगे या करने की इच्छा रखेंगे या करवाएंगे, तब तब आपके ऊपर राहु हावी होता चला जाएगा और आपकी मानसिक सोच छोटी बनती चली जाएगी। जब तब जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे जीवन में, तब तब आप ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और ऊंचाइयों पर पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पन्नम शास्त्री जी, मैं जानना चाहता हूं आप एक अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये कहां तक सही है? बिल्कुल सर, सत्यता है, बिल्कुल 100%। आज मानव पलटता जा रहा है, कमियां बता रहे हैं, भगवान कहीं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हम मोबाइल लेने जाते हैं, अप्लाई करेंगे, अच्छा, कभी हमने ये नहीं सोचा होगा कि ये जो नंबर हमें मिल रहा है ये हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी नंबर जो आपके नाम से जुड़ गया है वो आपके इफेक्ट करेगा। ये बहुत जरूरी चीज है जो आज मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल लेते समय सबसे पहले तो आप लोगों को अपने लकी नंबर का ध्यान रखना है। आप लोग के मोबाइल का जो टोटल होगा वहां पर खड़े खड़े अपने मोबाइल के टोटल को चेक कर लीजिए। नंबर एक, अब आपके मोबाइल का टोटल एक नंबर आता है, आपको एक नंबर अक्सर सूट कर जाता है, मैं बहुत पावरफुल, ये बहुत पावरफुल नंबर है, क्योंकि एक नंबर किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या है? राजा। आपने समझा? लेकिन अगर आप आठ नंबर के हैं, आपका मूल्यांक आठ आता है, या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आठ आता है, या मूल्यांक कोई भी अंक हो पर भाग्यांक आठ आए, तो दोनों में से कुछ भी अगर आठ आए तो आप एक नंबर का मोबाइल नहीं लेंगे। अगर आप एक नंबर का मोबाइल नहीं लेंगे और आप आठ को छोड़कर किसी भी नंबर के हैं तो आप एक नंबर का मोबाइल ले सकते हैं। ये बातें आप सब जानते हैं ना, जो मैंने बातें बताई हैं। प्रिया जी, समझ में आई बात ये मेरी जो मैंने बताई? जी सर, जी सर। एक नंबर के लिए आठ नंबर इज एनिमी नंबर, और आठ के लिए नंबर एनिमी नंबर। आप देखो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे आप लोग के दिमाग में हाथों हाथ बैठ रही है ना। आपका अगर आप अपने मिलने वाले के मोबाइल नंबर को टोटल को चेक करो और वो परेशान है तो उसे बताओ, ये कारण है। गायत्री जी, ये ठीक लगा तरीका बताने का, समझाने का या पढ़ाने का? सर, परफेक्ट सर। इससे अब आप सब लोग ट्रेन हो जाएंगे। दो नंबर
चंद्रमा मन का कारक होता है। मैं इसके अंदर बहुत बातें अभी और भी जोड़ सकता हूं दो नंबर के बारे में, ये चीजें होती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं लंबा कितना भी कर लो। दूसरा ही बताना चाहता हूं, ये जितने भी नंबर हैं, अंक हैं, ये सब ग्रह हैं। अगर आपके मोबाइल में जो भी नंबर मिस है, इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित एनर्जी आपके पास नहीं है। क्या मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास जिसके पास जो नंबर मिस है, क्या उन्हें आपको सबको ज्ञान है अपने बारे में, वो उससे संबंधित परेशानियां हैं आपके सामने, नहीं है? बस ये बताइए आप, वो छोटा सा सवाल है जिससे हमारे क्लियर होगा। चांदनी आप बताओ। हाँ जी सर। है ऐसा जो आपको हाँ जी सर, होता है सर, ग्रहों का सर तो दिखता ही है। हाँ जी प्रिया जी आप बताइए। हाँ सर बोलिए क्वेश्चन का, और फिर सर बोलिए एक बार। मैंने क्वेश्चन बोला, जो नंबर आपके मोबाइल में मिस है, हाँ, क्या उससे खराब वो लक्षण या खराब नेचर या उन ग्रहों का प्रभाव क्या आपके जीवन पे है? सर अगर मिसिंग नंबर होगा तो उसका तो कमी होगा, तो वो कमी अगर फिलअप करना चाहिए तो वो मोबाइल नंबर से हम फिलअप कर सकते हैं कि जो नंबर मिस है वो प्रभाव देता है। मेरे पास गायत्री आप क्या बताएंगी, बोलो आप भी बोलो। जी सर मेरे बर्थडे में फोन नंबर मिसिंग है एंड फोन में भी मैंने नहीं लिया है सर फोन नंबर, तो उसका मुझे पूरा दिखता है रिजल्ट की पैसा मेरे पास रुकता नहीं है और दबंगनेस, मतलब डिसीजन के लिए मैं बहुत डरती हूँ सर, तो फोन नंबर के जो जो है ना एट्रीब्यूट मिसिंग के, तो वो मुझ में दिख रहे हैं सर रिजल्ट। आप अपने मोबाइल में फोन नंबर लीजिए। अब मैं एक आपको एक इलाज और बता देता हूँ सबको, कब हमारे दिमाग में कौन सी बात निकल जाती है वो ईश्वर की इच्छा होती है। जो नंबर भी आपके मोबाइल में मिस है, जो नंबर आपके लोशो ग्रिड में मिस है, वो नंबर आप अपने मोबाइल में ले लो, जिससे उस नंबर की एनर्जी आपका काम करना शुरू कर देगी। क्या गायत्री जी आपके पास चार नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है? नहीं सर, मोबाइल में भी नहीं है और बर्थडेट में भी नहीं। देखिए, और यही कारण है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आप पे बहुत कुछ हो सकता है लेकिन कैश इन हैंड नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं दूसरे का सहारा लेना पड़ता है जिसके पास चार नंबर नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ सर? एक बोलो, जी बोलो। सर जी सर, सर थ्री भी मिसिंग होगा, सर थ्री भी मिसिंग होगा तो भी तो लिक्विड कैश का प्रॉब्लम होगा सर। लिक्विड कैश की फोर तो होगा ही, हम जमा नहीं कर पाएंगे, लेकिन थ्री होगा तो भी तो लिक्विड कैश का प्रॉब्लम होगा सर। थ्री और फोर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की आमदन कम, खर्चा ज्यादा होगा। अगर किसी के पास थ्री मिस है और फोर है तो उसके पास प्रॉपर्टी अच्छी होगी लेकिन कैश इनफ्लो नहीं होगा। तथ्यों को समझो, समझा प्रिया जी आपने जो मैंने समझाने का प्रयास करा? सर वॉइस कट गया था। दो नंबर, अगर नंबर दो टोटल आता है तो भी आठ नंबर वालों को ये मोबाइल नंबर नहीं लेना, और ना नौ नंबर वालों को भी ये नंबर लेना, नौ नंबर वालों को भी ये मोबाइल नंबर नहीं लेना, बाकी नंबर वाले ये मोबाइल ले सकते हैं। फिर भी कोशिश करें कि दो नंबर का मोबाइल ना लें, क्योंकि दो नंबर चंद्रमा है। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, आप वैदिक भी पढ़ो, वैदिक से सारे ज्ञान मिलेंगे। लोगों को यही नहीं पता दो की और पांच की शत्रुता है, पांच दो को शत्रु मानता है, दो पांच को नहीं मानता। लेकिन अगर आपका लाइफ में रिलेशन पर काम करना है, आप किसी की शादी नहीं हो रही और उसके पास दो नंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर दो पे ले लेना चाहिए,
जब शादी हो जाए उसके बाद भले ही उस नंबर को छोड़ दें, क्योंकि शादी के लिए, रिश्तों के लिए दो नंबर का होना बहुत जरूरी है। तीन नंबर, अगर आप ऑक्टल साइंस में हैं, आप टीचर हैं, तो आपको तीन नंबर का मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन आप छह नंबर के नहीं होने चाहिए। यदि आपके कहीं ना कहीं छह नंबर है आपके पास, तो आपका मूल्यांक या भाग्यांक छह नहीं होना चाहिए। अगर मूल्यांक या भाग्यांक छह होगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विवाद होगा जीवन में और तरक्की नहीं कर पाएंगे। चार और अगर नंबर चार है और आठ, चार नंबर राहु का होता है, ऐसे नंबर हैं जो स्ट्रगल नंबर लेता है, इस नंबर का मोबाइल किसी भी नंबर वाले को नहीं लेना चाहिए। यानी अगर आपके मोबाइल का टोटल चार आता है तो उस मोबाइल नंबर को मत लीजिए, क्योंकि चार राहु है और आठ शनि है। राहु शनि दोनों पापी ग्रह हैं। अगर दोनों की पाप की स्थिति बन जाएगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ लेना मेरी बात को। पांच नंबर, इस नंबर को हर कोई ले सकता है। पांच नंबर यूनिवर्सल नंबर है, ऐसा नंबर है जो हर एक को सूट कर सकता है। आपके मोबाइल का नंबर पांच आता है या कोई भी मूल्यांक या भाग्यांक वाला ले सकता है। ये परंपरा सबको बताई गई है, लेकिन मैं कहता हूं पांच नंबर हरेक को नहीं लेना चाहिए। पांच नंबर कोई भी लेता है तो उसका कहीं भी नुकसान हो सकता है। पांच नंबर उसको लेना चाहिए जिसका मूल्यांक और भाग्यांक में दो नंबर ना हो। जिसके पास दो नंबर होगा और अगर वो पांच नंबर लेगा तो जीवन के अंदर परेशानियों के अंदर रहेगा। प्रिया जी, मैं समझ नहीं पाया, अगर आपका आठ नंबर है वालों को पांच नंबर सूट नहीं करता। नंबर पांच, पांच नंबर हर कोई ले सकता है, मैंने बताया, लेकिन दो वाले नहीं ले सकते। पांच बुध का नंबर होता है। बुध एक राजकुमार ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा का पुत्र है और ये राजकुमार होता है, इसलिए इसका कोई शत्रु नहीं कहा गया। ये कुवारा ग्रह है, इसके बारे में इतना और बता देता हूं मैं आपको। कुवारा ग्रह जो होता है वो आपस में बहुत जल्दी टेंशन में आता है और गुस्सा बहुत होता है, इसलिए उसे दो नंबर के साथ अपने नक अपने पिता जिसके अवैध संबंधों से उसकी उत्पत्ति हुई थी, पिता से वो ईर्ष्या खाता है। छह नंबर, किसी भी मोबाइल का टोटल छह पर आता है तो आप लोगों को ये बहुत सूट करने वाला होगा, क्योंकि ये पैसा अट्रैक्शन करेगा आपको, ऐसा आराम कराएगा, पूरा सुख सुविधाएं देगा। ये नंबर इतना बड़ा इफेक्टेड होता है। लेकिन अगर आपका मूल्यांक या भाग्यांक तीन है तो आप छह नंबर वाला मोबाइल नंबर नहीं लेंगे, बाकी सब छह नंबर के टोटल का मोबाइल ले सकते हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं तीन नंबर है तो छह नंबर का मोबाइल नहीं लेंगे। छह नंबर आपको जीवन में लग्जरी देता है। जिसको पारिवारिक सुखों में कमी है वो व्यक्ति को छह नंबर जरूर लेना चाहिए। अगर वो छह नंबर लेगा तो वो जीवन में बड़ी ऊंची और सफलताओं पर जाएगा। उसके मित्र दोस्त भी होंगे, उसका बैंकिंग व्यवस्था भी अच्छी होगी और वो लग्जरी जीवन जिएगा, सुख सुविधाओं में जीना पसंद करेगा। सात नंबर वाला भी तीन नंबर वाले के तरह ऑक्टल साइंस में जाना चाहता है। सात नंबर टेक्निकल है, सात नंबर केतु का है। आप या कोई भी एजुकेशन लाइन में है तो सात नंबर का मोबाइल आपको सूट करेगा। अगर आप इस लाइन में हो तो आप सात नंबर का मोबाइल नंबर लीजिए, क्योंकि सात नंबर भी थोड़ा वीक नंबर माना जाता है, क्योंकि ये राहु का भाई है।
लेकिन इन नंबर को काम करने वालों के लिए ये नंबर अच्छा हो जाता है जो साइंस के टेक्निकल रिसर्च के नेचर के होते हैं। लेकिन सात नंबर केतु का है ये खाली रिसर्चिंग नेचर होती है। सात नंबर केतु ये सर है नहीं। अच्छा मान लीजिए, हाँ ठीक है, सात नंबर का मैंने बता दिया रिसर्चिंग नेचर, खोज, परिवार। अब वो है तो राहु का ही वंशीज, लेकिन वो धड़ है, उसके पास दिमाग नहीं है, ताकत है, और इसलिए तीन के साथ जब सात का संबंध जुड़ जाता है तो उसकी ताकत फैल जाती है और ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। आठ नंबर किसी को नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्ट्रगल नंबर है। आपको मोबाइल नंबर का टोटल आठ नहीं होना चाहिए, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं। लेकिन मैं शास्त्र से अलग हटके कुछ आपको बोलना चाहता हूं। शास्त्र संसार में कोई भी चीज गलत नहीं है, ना कोई नंबर गलत है और ना कोई ग्रह गलत है। गलत है तो सोचने का तरीका गलत है। आठ नंबर वो लोग ले सकते हैं जो वैरागी बनना चाहते हैं, जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, जो जज होता है वो भी आठ नंबर, जो फंदा होता है वो भी आठ नंबर, और जो न्यायाधीश होता है वो भी आठ नंबर। तो आप देखिए आठ का ही सबसे संबंध है। इसका मतलब आठ क्या है? न्याय प्रिय कार्य करने की स्थिति रखना। हमारे शास्त्रों में आठ के नंबर को गलत बता दिया गया, इस शास्त्रों ने नहीं, हम कुछ लोगों ने। आठ नंबर गलत नहीं है, ये शने शने जो चले उसे बोलते हैं शनिचर। ऐसे नंबर तसल्ली के होते हैं। हर आदमी सुख चाहता है, उसके लिए तसल्ली की आवश्यकता होती है। नौ नंबर एक भी पावरफुल नंबर है। अगर आपका टोटल दो पर आता है तो आप नौ का नंबर मोबाइल नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि नौ का नंबर दो और चार के लिए एंट्री हो जाता है। और नौ नंबर डिफेंस में, आर्मी में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अपना नंबर नौ पे जरूर लेना चाहिए। अब उनका सिलेक्शन का टाइम आ रहा है तो नौ पे नंबर लेके उस, भले ही आपका दो पे हो या चार पे हो, उसके बाद उस नंबर को बदल ले। गहराई से समझे सारी बात को। मान लीजिए आपके मोबाइल का नंबर टोटल एक पांच छह इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है, लेकिन आपका मोबाइल शुरू हुआ है 8844321002। मान लीजिए इसका टोटल पांच आ रहा है, लेकिन अगर 88 77 444 आपका मोबाइल में है तो ऐसा मोबाइल नंबर हमें नहीं लेना चाहिए, भले ही टोटल पांच पे आ रहा हो, क्योंकि आपके मोबाइल में स्ट्रगल नंबर ज्यादा हो गए। 874 शनि राहु केतु, भले ही आपका टोटल पांच पे आ रहा है, हमें यह तो सिखा दिया टोटल पांच पे लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया कि सारे के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं किसी घर में, और वो घर कितना भी अच्छा हो तो क्या वो घर अच्छा कहलाएगा? लेकिन अगर 77, हाँ मैंने बता दिया, अगर 88 77 744 आपके मोबाइल में है तो ऐसा मोबाइल नंबर हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे इसका टोटल 156 पर ही आता हो, क्योंकि आपके मोबाइल में स्ट्रगल नंबर ज्यादा ही हो गए। किसी भी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर मिस हो सकता है। जब आपका मोबाइल नंबर लेने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल नंबर में 111 66 55 22 नंबर आ जाए, और ये नंबर आपके मिसिंग हैं तो लोशो ग्रीन में तो इनको अपने मोबाइल नंबर में रखिए। अगर आपको अपने मोबाइल में ये नंबर ले लेंगे तो आपका भाग्य बड़ा उज्जवल हो जाएगा, ऊंचाइयों पहुंच जाओ। अगर ये नंबर आपके मिसिंग नंबर आपके मोबाइल में आ जाते हैं, कोई इनका टोटल भी 156 पर आ जाए तो आपके लक्की नंबर पे आ जाता है, तो मानकर चलिए कि आपकी लाइफ कहीं से कहीं तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मोबाइल आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आपका नंबर दूसरों के मोबाइल में
आपके नाम से सेव किया जाता है तो आपके नाम के साथ ये नंबर हमेशा जुड़े हुए होते हैं और वो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। आप जब भी मोबाइल लेंगे इन चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बात और बताता हूं, यदि आपके मोबाइल नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी आ जाए तो समझिए आपका वो मोबाइल नंबर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मोबाइल की वो आपके लिए लकी है, और आपका भाग्यांक आ जाए टोटल तो और भी लकी है। आप मुझे बताइए जो मैंने अभी पढ़ाया या बताया कितना ठीक लगा आपको, बताइए प्रणव शास्त्री जी, आप बोलिए समय पहले। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। अब जैसे मेरे मोबाइल में एक का अंक नहीं है बिल्कुल भी, ना भाग्यांश ना मूलांक ना ही सीरीज में है, तो अब मेरे को एक का अंक बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, या पासवर्ड चेंज करना होगा या क्या करना होगा सर? आपको एक नया मोबाइल लेना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। आप अपनी एक कुंडली हमारे भेजना तो उसमें हम लोशो गेट से आपकी कंसल्टेंसी करके मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको करके भेजेंगे आपको, ठीक है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। क्या बहुत अच्छा लगा सर आज, बहुत अच्छा लगा। और बोलिए चांदनी, बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं? सर नई नई चीजों का पता चल रहा है, आप तो हर रोज ही नई नई चीजें सिखाते हो, बहुत अच्छा लगा। क्या सर आज क्या करूं, इतना अच्छा करने के बाद भी हर आदमी के निगाह में अच्छा नहीं हूं, वो मेरा भाग्य है नहीं मेरा भाग्य है, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे अपने कर्म की खुशी है। बिल्कुल, मुझे अपने कर्म की खुशी है, मैं जिस दिशा में चल रहा हूं मुझे एक अच्छा अनुभव हो रहा है। नहीं सर। और बोलिए कौन बोलना चाहता है कुछ? भरत कुमार जी, डीएस भरत कुमार कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे ना 6 तारीख से एक हम वास्तु की क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उस क्लास को ज्वाइन करो, सब बहुत okay, सर। मैं अपने क्लास के हर स्टूडेंट को कहूंगा मैं वास्तु की वो से वो सारी बातें बताऊंगा जो कोर्स आदमी 50-50 हजार के रुपए में पे नहीं होता, और जो मेरा क्लास का स्टूडेंट है उससे फीस आधी लूंगा। 7,000 पे फीस रखी है, जो हमारे क्लास के परमानेंट स्टूडेंट है उनसे मात्र मैं 3,500 रुपए लूंगा।